किसानों की समस्या को लेकर अन्ना हजारे ने राजघाट पर दिया धरना, कहा 70 साल बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों के सपने हैं अधूरे, देश में लोकतंत्र की अब भी कमी। गुजरात पहुंचे अमित शाह ने किया चुनाव का ऐलान, कहा दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे राज्य में विधानसभा चुनाव। शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा इटली का चश्मा उतार कर गुजराती चश्मा पहने राहुल, तब दिखेगा विकास। स्वच्छ भारत का सपना हजार गांधी और लाख मोदी से नहीं होगा पूरा, पीएम ने कहा कि सपने को पूरा करने के लिए देश की जनता का सहयोग जरूरी है, सभी के साथ आने से साफ होगा। बापू को 148वीं जयंती पर पूरा देश कर रहा है नमन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी किया गया। अमेरिका के लॉस वेगास के कसीनो में फायरिंग, अब तक करीब 50 लोगों की मौत और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने मार गिराए दो आतंकी, आतंकियों के पास से दो हथियार भी हुए बरामद, सेक्टर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना ने दो आध घुसपैठियों को किया ढेर, 5 से 7 घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका, पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी। सीमा पर फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश, पुंछ सेक्टर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में दो नागरिकों की मौत, 5 घायल, भारतीय जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। गांधी जयंती पर राज ठाकरे का कार्टून के जरिए पीएम मोदी पर निशाना, फेसबुक पर गांधी और पीएम का कार्टून पोस्ट कर लिखा आत्मकथा, असत्य के साथ मेरा प्रेम। राहुल गांधी के अमेठी दौरे को प्रशासन से मिली हरी झंडी, कार्यक्रम पर लगी रोक, प्रशासन की सफाई, कहा नहीं लगाई थी रोक, सिर्फ स्थिति थी सलाह। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक बुकलेट से गायब हुआ दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, ताजमहल को हटाकर इस बार बुकलेट में दी गई गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने रायपुर एयरपोर्ट पर की अधिकारियों से वसूली की, आदित्य ने कहा मैं तुमको मुंबई में देख लूंगा, एक्स्ट्रा लगेज को लेकर हुई थी बहस, सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल। दिल्ली में मेट्रो के किराया बढ़ाने को लेकर सियासत तेज, टीएमआरसी के एमडी से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक, किराया बढ़ाने को लेकर कल सुबह 10:30 बजे होगी। दिल्ली में नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा भी ठप कर दी, डॉक्टर्स की इस हड़ताल से मरीज परेशान हैं। गाजियाबाद पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों से जमकर अवैध उगाही में लगे हुए हैं, हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी ने तीनों जवानों को लाइन हाइजैक किया। दिल्ली के रंधौला इलाके में एक डीजे की शॉप पर लगभग 10 लाख रुपए के सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया, फरार हो गए, चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 अक्टूबर को पूरे देश में ड्राई डे घोषित किया जाता है, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में खुलेआम शराब बेची जा रही, वो भी सिर्फ 500 रुपए में, शराब ठेके वाले ने पुलिस को 500 रुपए दिए और शराब बेचना शुरू कर दिया। सोमवार को पुराना उपमंडल के जमालगढ़ गांव में शादी समारोह को देखना, गांव के 3 बच्चों को भारी पड़ गया, समारोह में फायरिंग हुई है, 3 बच्चों को गोली। विवाद चौथा गांव में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, मृतक जन्नती 3 बच्चों की मां थी और 3 महीने की गर्भवती थी, जन्नती के शरीर पर कुछ निशान मिले हैं जिसके चलते परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। गोहाना में घर के सामने दिन दहाड़े बाइक चोरी करने का एक मामला सामने आया, घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई, जिससे एक युवक बाइक को घर के सामने से बेखौफ होकर चोरी करके ले जाता हुआ दिखा। गोहाना पुलिस ने पैसे दोगुना करने वाले ठग गिरोह के 2 सदस्यों को काबू कर लिया है, पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड की। रेवाड़ी पुलिस स्टेशन के पास डबल फाटक पर अंडरपास न होने के चलते सोमवार को एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। गुरुग्राम में झंडसा फ्लाईओवर के पास पुलिस के पीसीआर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, हादसे में महिला और स्कूटी सवार दोनों बच्चे घायल हो गए, हादसे के बाद पुलिस वाले पीसीआर वैन को लेकर फरार हो गए। यमुनानगर में एक बार फिर देखने को मिला है रफ्तार का कहर, बिजली के मीटर्स को तोड़ता हुआ एक दुकान में घुस गया डंपर, ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फतेहाबाद में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। चौहाना के डेंगू के चलते अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं।